Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nirandasya Jnananjan Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmay Shri Gurve Nama Vancha Kalpatru Bhesha Kripa Sindhu Bhayavcha Patitanam Pavne Bhayo Vaishnave Bhayo Namo Nama Namo Mahavadanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanamni Gaurat Vishaye Nama Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namo Sute Vrindaye Tulsi Devi Priyaye Keshva Sacha Vishnu Bhakti Parde Devi Satyavate Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare गोपियों की और कृष्ण की जो वार्तालाप उस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्या बात हुई है I have already described how Krishna tried to pacify Radha and the Gopi by saying, Oh Gopi, why are you feeling so much separation? मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्णन कर चुका हूँ, Krishna किस प्रकार राधा रानी को सांत्वना दे रहे हैं और गोपियों को और कहते हुए आप लोगों को क्यों इतना भिरा हो रहा है? I am not away from you for even a moment. मैं एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं हूँ. There is no separation between clay and clay statue. यानी मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी में कोई भेद नहीं होता. Because the clay is everywhere in the मूर्ति, क्योंकि मिट्टी जो है मूर्ति में सब जगह होती है. In the same way, this physical body is made up of five elements: earth, water, fire, air and ether. तो कहते उसी प्रकार ये जो शरीर है हमारा पांच तत्वों का बना हुआ है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश. So one body cannot be separated from them. इससे वो इनसे अलग हो ही नहीं सकते. As one cannot differentiate between the body and each element, यानी कोई शरीर को और इन पांच तत्वों को अलग नहीं कर सकता. Similarly, you are made of my mood. आप लोग जो है मेरे भाव से ही प्रकट होयो. Krishna is Sachidanand Vigraha, the complete form of eternal knowledge and bliss. यानी कृष्ण को न सच्चिदानंद विग्रह सत्य चैतन्य और आनंद की घन मूर्ति है. एंड श्रीमती राधिका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज महाभाव. और राधा रानी कौन है? महाभाव. बिकॉज शी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ महाभाव, शी इज कॉल्ड हलातनी शक्ति. यानी हमेशा महाभाव में स्थित रहती है, इसलिए इन्हें हलातनी शक्ति कहा गया है. She and Krishna are always combined as the essence of Haladini and Samvit. ये और कृष्ण जो हैं, ये दोनों इकट्ठे होते हैं Haladini और Samvit. बल्कि उनका जो सार है Haladini और Samvit का वो है राधा कृष्ण. Samvit and Haladini are same as Chit Anand. Haladini और Samvit वही होते हैं जैसे चित और आनंद होता है. And that is why Krishna told her, I am always with you, I am Sachidanand. इससे कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ. सो हाउ कैन आई बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, मैं आपसे अलग कैसे हो सकता हूँ? आई एम ऑलवेज इन योर बॉडी एंड योर, मैं हमेशा आपके शरीर में हूँ और आपके हृदय में हूँ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द गोपी बिकेम वेरी सल्की एंड एंग्री व्हेन दे हर्ड कृष्णा वर्ड. मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, गोपियों बिकेम वेरी सल्की में उनका मान बढ़ जाता है और उन्हें क्रोध आता है जब वो कृष्ण के इस भाषा को सुनते हैं. एंड दे बिगन टू चेस्टाइज हिम नॉट बाय वर्ड बट बाय मूड. और वो कृष्ण को नाराज होती है लेकिन शब्दों के द्वारा नहीं, अपने भाव के द्वारा वो कहती है. क्या क्या बोलती है?
Why are you telling us this? तो हमें सारी चीजें क्यों बता रहे? We don't accept this theory of yours. हमें तेरा यह मत स्वीकार बिल्कुल नहीं है. We are not yogis. हम योगी नहीं है. Yogis worship you and meditate upon you. योगी जो होते हैं वो तेरा ध्यान करते हैं और तेरी उपासना करते हैं. But they cannot purify their hearts or even their minds. लेकिन वो अपने हृदय और मन को शुद्ध नहीं कर सकते. इन थाउजेंड एंड थाउजेंड अब हजारों हजारों जन्म बीत जाते हैं फिर भी अपने मन और हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते. We on the other hand want to forget you forever. हम तो उल्टा तुझे भूलना चाहती है हमेशा के लिए. We were so happy in the home of our father and mother in Braj. हम बहुत खुश थे अपने घर में माता पिता के साथ ब्रज में. You have upset and destroyed everything. आप आगे तो हमारा संसार सब खत्म हो गया. मां की बात ये होती है जब कृष्ण आते हैं जीवन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो संसार छूटता ही तो है. हम जैसे नित्य मानते हैं वो चीज अस्थाई होती है और वो अस्थाई चीज छूट जाती है जब कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं. We gave you a whole love 100%. हमें तुम्हें पूर्ण प्रेम दिया 100% और 110% 110% दिया. We left our father, mother, husband, children and everything else. हमने अपने माता पिता बच्चे पति सब छोड़ दिया है. Our relationship was very deep when you were in Vraj. हमारा जो संबंध था बहुत गहरा था जब आप व्रज में थे. And it is the same even today. आज भी उतना ही गहरा है. So we want to forget to fear. हम तो तुम्हें हमेशा के लिए भूलना चाहती हूँ. If you cannot forget us and all of your Vraj vases, Gokul, Govardhan and all your cows, कहते if you can forget us, यानी अगर तू हमें भूल सकता है, हम वृंदावन को, गोकुल को, गोवर्धन को और गौ बछड़े और मोर को, your dear हिरन को and your own mother from whom you took birth, और अपनी माँ को जिससे तूने जन्म लिया है, then why can we not forget you? हम तुझे क्यों नहीं भूल सकते हैं? अगर तू भूल सकता है तो हम भी तुझे भूल सकते हैं. This is the problem, we cannot forget you. लेकिन समस्या यह है कि हम तुझे भूल नहीं सकते हैं. From the beginning, whenever we were engaged in any household task, we sang. यानी शुरू से हम घर की कोई भी क्रिया करते थे घर में तो हम गाते थे. गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हम तेरे नाम का कीर्तन करते थे. इवन वेन वी वर क्लीनिंग अवर हाउसेस, स्वीपिंग और चर्निंग योगर्ट, भले हम अपनी सफाई करते थे, झाड़ू मारते थे या मक्खन निकालते, टीयर्स केम फ्रॉम अवर मेल्टिंग हार्ट एज वी रिमेम्बर्ड योर पास्ट टाइम. हमारी आंखों से आंसू बहते थे जब हमको तेरी लीला का स्मरण आता था. एंड सैंग गोविंद दामोदर माधवेती, हम लोग गाते थे गोविंद दामोदर माधवेती, राधा रमन हरि बोल एंड गोविंद जय जय, यानी ये हम हमेशा तेरे नाम कीर्तन करते थे. इन ब्रज द गोपीज हैड ऑलवेज बीन वीपिंग एंड लमेंटिंग, ब्रज में गोपियां हमेशा विलाप करती है और रोती है. ओ कृष्ण वेयर आर यू, वेयर आर यू, कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो. वर्ड्स कैनॉट एक्सप्लेन हाउ दे वर बिहेविंग इंटरनली एंड एक्सटर्नली, शब्दों के द्वारा बखान नहीं किया जा सकता वो कैसे व्यवहार करती थी अंदर भी और बाहर भी. You tell us give up samsar koop, the deep dark well of family life. तो कहता कि संसार कूप छोड़ दे, ये जो अंधकार है संसार के सारे संबंधी है और जो घर है. And meditate upon me and the as the yoga, मेरा चिंतन कर जैसे योगी चलते हैं. But where is our family life? We have no संसार को, हमारे संसार है का हमारा परिवार है, सबको तो हमारा छूट गया है. और हम तेरे पास आते हैं रात दिन सेवा करने के लिए, कहाँ हमारा संसार कूप है बताइए. द गोपीज हैड फॉरगॉटन द होम ड्यूटी, हस्बैंड फादर एंड मदर, गोपियां अपने घर को पूरी तरह से भूल चुकी थी,
पति को, माता को, पिता को, भाई को, बच्चों को, सबको, एंड दे हैड इवन फॉरगॉटन टू ईट एनीथिंग और टू सी एनीथिंग. ना तो उन्हें कोई खाती थी कुछ और ना ही उनको कुछ देखती थी. दे अपीयर टू लुक एट थिंग जस्ट एज वी डू बट दे डिड नॉट सी एनीथिंग. यानी उनकी आंखें खुली रहती थी लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था. क्योंकि क्या होता है, कई बार आंखें हमारी खुली होती है, हमारा ध्यान किधर और होता है, उसके चिंतन में होते हैं, मग्न होते हैं, तो हमें आंखें खोल के भी हम देख नहीं पाते कोई हमारे आंख सामने से गुजरा है. वो कहता अभी तो तेरे सामने गया, कहता मेरा ध्यान ही था, मैं देखा रही, तू देखा तो आंखें खुली थी लेकिन मन किधर और था. और गोपिया का जो मन है हर वक्त कृष्ण में लगा रहता है, इसलिए उन्हें संसार दिखता ही नहीं. क्योंकि हमारा मन भगवान में नहीं लगाए इसलिए हमें संसार और संसार की सब वस्तुएं दिखाई देती है. जिसका मन कृष्ण में लग जाता है फिर उसे कुछ और दिखाई देता नहीं है, चाहे आंखें खुली हो चाहे ना खुली हो. They only contemplated where is my beloved Krishna. वो ये कहते थे कि मेरे कृष्णा कहाँ है. Only this, एक ही चीज, कृष्णा किधर है, उसी को ढूंढते थे. It is we who are in the well of family attachment. वास्तव में तो हम लोग हैं जो संसार के परिवार के कूप में फंसे हुए हैं. भगवान का चिंतन तो नहीं, रात दिन परिवार वालों का चिंतन बना रहता है, रिश्तेदारों का बना रहता है, दोस्तों का बना रहता है. और परिणाम क्या होता है, ये हमारे को जब मृत्यु के द्वारा सब एक एक करके छोड़ते हैं और कभी भी दोबारा हमको मिलते नहीं अनंत समय तक. लेकिन हम मूर्ख लोग वापस इनका चिंतन करके संसार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं और फंस जाते हैं. भगवान का चिंतन करके छोड़ने के बजाय हम इनका चिंतन करके छोड़ते हैं, जो केवल कर्मानुसार हमारे पास आए थे और हिसाब किताब पूरा करके चले गए. वास्तव में वो मेरे कोई लगे ही नहीं थे कभी भी. अगर वास्तव में पिता होता तो पिता अपने बच्चे को छोड़ के शरीर छोड़ जा सकता है, नहीं जा सकता. अगर हम वास्तव में पति होते तो पत्नी को छोड़ के जा सकते थे मृत्यु के द्वारा, नहीं. कौन देखेगा, कौन पालन पोषण करेगा, यानी ये सब चीज क्यों छूट रही है. क्योंकि जीव वास्तव में एक दूसरे के पास कर्म के हिसाब से तो आता है और हिसाब किताब पूरा होता है तो वो चले जाता है, वो कभी किसी का था ही नहीं. और हम इतनी ज्यादा अज्ञानता में है, हम विलाप करते, इनके लिए विलाप करना चाहिए कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए. हम करते हैं विषय लोगों के लिए जो कभी हमारे थे नहीं. रोज हम सबसे धोखा मिलता है, गालियां पड़ती है, निंदा होती है, जूते मारते हैं हमको लोग, फिर भी हम उन्हीं के पास दौड़ते हैं. अज्ञानता की हद, फिर भी कहते हम बड़े खुश है, सारे अच्छे है. कौन से हिसाब से अच्छे है, हर इंसान आपको जूता मारता है, निंदा करता है, गाली देता है, तुम कौन से हिसाब से तुम अच्छे कह रहे हो. यानी हम इतनी ज्यादा अज्ञानता में भरे, हमें कुछ दिखाई नहीं देता. इसलिए जब तक भजन नहीं करोगे, चाहे मैं कितनी भी ऊंची भाषा बोलू, वो उसकी अनुभूति नहीं होगी. हर चीज की अनुभूति हरि नाम से ही होती. ये सारी कथाएं धीरे धीरे हृदय में उतरनी शुरू होंगी जैसे जैसे आपका हरि नाम बढ़ेगा, अंतकरण की शुद्धि होगी. यही सारे विचारधारा और जो कथाएं हृदय में प्रवेश करेंगी. नहीं तो हम गलत अर्थ ले सकते हैं, जो कि हमारा मन मलिन है. इसलिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाम कीर्तन, नाम स्मरण. निरंतर नाम का जप करिए और फिर देखिए कि कैसे जीवन में परिवर्तन, एक एक चीज के रियलाइजेशन आपके जीवन में आने शुरू होगी. एक एक चीज आप समझोगे कि वास्तविकता क्या है, सबकी सच्चाई दिखाई देनी शुरू हो जाएगी. Still, although the gopis were not attached to their family as we are, Krishna advised them, भले गोपियां जो थी आसक्त नहीं थी परिवार में जैसे हम हैं, तो कृष्ण को सलाह दी, कम आउट ऑफ दैट वेल एंड मेडिटेट अपॉन मी. उन कुएं से निकलो, संसार कुएं से, ये परिवार के कुएं से, और मेरा चिंतन करो. द गोपी नो रिप्लाई. अब गोपियां उत्तर देती है.
एक श्लोक पढ़ती है, उस श्लोक का अर्थ है द श्लोक कैस टू मी द मीनिंग फॉर जनरल पर्सन एंड फॉर दोज हु आर वेरी नॉट वेरी एडवांस डिवोटी इज दैट, तो जनरल पब्लिक का जो भक्ति में ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उठे हैं, ज्यादा उन्नति नहीं कर सकते, उनके लिए है द गोपीज आर रिक्वेस्टिंग कृष्णा यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ओ कमल नयन, आप साक्षात ईश्वर हो कमल नयन, यानी जिनकी आंखें कमल की तरह है, यू हुज आईज आर लाइक रेडिश लोटस पेटल, जिनकी आंखें जो है लाल है कमल की पंखुड़ों की तरह, यू आर वेरी वेरी मच, आप बहुत ज्यादा दयालु हो, वी हैव नॉट फॉलन इन टू द वेल ऑफ फैमिली लाइफ, हम जो है संसार कूप में गिर चुके हैं, एंड वी वॉन्ट टू रिमेंबर योर फीट एज द योगीज डू लोटस फीट, हम आपके चरणों का स्मरण करना चाहते हैं जैसे योगी करते हैं, वी वॉन्ट टू मेडिटेट सो प्लीज बी मर्सीफुल टू अस, हम तेरा चिंतन करना चाहती हैं इसलिए आप हम पे कृपा करिए, दिस मीनिंग इज एक्सटर्नल, ये तो बाहरी अर्थ हो गया जनरल पब्लिक के लिए, समटाइम एज जूनियर्स ट्राई टू इंस्ट्रक्ट सुपीरियर्स द सुपीरियर्स में रिप्लाई आई एम वेरी फूलिश एंड यू आर सो इंटेलिजेंट, कभी कभी क्या था नए लोग होते हैं जो सीनियर होते हैं कई सालों से रह रहे हैं, उनको समझाते हैं ऐसे नहीं करो वैसे करो, वो कहेगा बिल्कुल सही है मैं तो मूर्ख हूँ आप बड़े सियाने हो, यानी वो मतलब क्या है कि उसका व्यंग करा है कि क्या मुझे नहीं पता क्या सही क्या है, मैं यहाँ पे 20 साल से रहा तेरे को अभी 3 महीने आए और तू मुझे शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो उसको व्यंग करता है सही बात है मैं तो मूर्ख हूँ तुम्हें बुद्धिमान हो, आई वॉन्ट टू ओबे योर इंस्ट्रक्शन प्लीज इंस्ट्रक्शन में हाउ टू एक्ट प्रॉपरली, मुझे आपकी आज्ञा माननी चाहिए आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, यानी वो सीनियर आर्मी जूनियर को इस प्रकार बोलता है यानी व्यंग करते हुए, इन रियलिटी द सीनियर इज एंग्री एट हार्ट, वास्तव में जो सीनियर होता है उसको क्रोध आया होता है, एंड एक्चुअली स्पीकिंग सरकास्टली वो व्यंग भरी भाषा बोलता है, इज रियल मीनिंग इज आई एम सो मेनी ईयर्स ओल्डर देन यू एंड आई एम सो मच मोर इंटेलिजेंट यू, मैं आपसे कई साल बड़ा हूँ और तो और मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, यू आर इंस्ट्रक्टिंग मी इवन दो यू आर सो जूनियर टू मी, आप मुझे शिक्षा दे रहे हो और भले आप इतने जूनियर हो मेरे से, सिमिलर द गोपीज आर इन एन एंग्री मूड, उसी प्रकार गोपियां जो है क्रोध की स्थिति में है, एंड देयर डीपर मीनिंग ओ कृष्णा डोंट ट्राई टू चीट, और कहती है उनका जो गुड़ अर्थ है कृष्णा में धोखा देने का प्रयास मत कर, वी हैव नोन यू फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वी नो दैट यू आर अ ग्रेट चीटर, हम तुझे शुरू से जानते हैं, हमें यही पता तो बाबा धोखेबाज है, यू हैव बीन डिसिंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो बहुत समय से हमें धोखा दे रहा था बट नाउ वी हैव बिकम समवट क्लेवर, अब हम थोड़ी बहुत चतुराई हमारे अंदर आ गई है, यू कैन चीट लक्ष्मी देवी यू कैन चीट योर वाइफ इन द्वारका, और लक्ष्मी देवी को धोखा दे सकते हो, अपनी पतियों को द्वारका की पतियों को धोखा दे सकते हो, एंड यू कैन चीट एवरीवन, आप सबको धोखा दे सकते हो, बट एज फॉर अस वी विल नॉट एंटर योर ट्रैप, और जहाँ तक हमारे बात है हम उस जाल में नहीं फंसेंगे जो तो हमें फंसाना चाहता है, चैता चैता मध्य लीला 13.137, चैता महाप्रु इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी साहब, महाप्रु राधा रानी के भाव में क्या कहते हैं, मोस्ट पीपल माइंड आर वन विद द हार्ट, बहुत लोगों का जो है मन और हृदय एक होता है, बट आई कंसिडर माई माइंड टू बी वन विद वृंदावन, लेकिन मैं अपने मन को वृंदावन मानता हूँ, बिकॉज माई माइंड इज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम वृंदावन, मेरा जो मन है कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गया, हर वक्त उन स्थानों का चिंतन करता है उन लीलाओं का चिंतन करता है और ब्रज से एक क्षण भी बाहर नहीं गया है, माई माइंड इज ऑलरेडी वृंदा, मेरा मन जो है वृंदावन ही है, एंड सिंस यू लाइक वृंदावन यू विल प्लीज प्लेस योर लोटस फीट देयर, क्योंकि तुझे वृंदावन पसंद है और मेरा मन वृंदावन है, और आप अपने चरण मेरे मन में रखोगे मेरे हृदय में रखोगे, आई वुड डीम दैट यू योर फुल मसीह, आपके चरण मेरे हृदय में आ गए मैं उसी को सबसे बड़ी कृपा मानूंगा, द गोपी स्थल कृष्णा वी नो एंड यू शुड ऑल्सो नो, गोपी कृष्णा से कहती है हम जानती हैं और तुम्हें भी जानना चाहिए,
that there is no much difference between the heart and the mind of a worldly person. Ye manushya ke hriday mein aur man mein koi vishesh antar nahi hota. The heart is always full of love. Hriday jo hai hamesha prem se bhara rehta hai. Whereas the mind calculate, man jo hota hai wo hisab karta rehta hai. What is better for me? What is good? मन यही सोचता है मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे मेरे लिए क्या उचित है. What is bad? क्या बुरा है? That is, this is better and that is not so good. वो अच्छा है और वो ज़्यादा अच्छा नहीं है. The mind can do all this. ये मन सब कर सकता है. But the heart can never consider whether a person is beautiful or not. लेकिन हृदय कभी ये चीज़ का चिंतन नहीं करता है कि वो बंदा सुंदर है कि नहीं, और वेदर और नॉट इज वेरी इंटेलिजेंट और क्वालिफाइड, क्या उसमें योग्यता है कि नहीं है. ये हृदय ये सब चीजें नहीं देखता है. रुक्मिणी हैज अर्नड अबंडेंट, हैज हर्ड अबंडेंट ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा मर्सी. रुक्मिणी ने कृष्ण की जो कृपा के बारे बहुत कुछ सुन रखा था. ब्यूटी एंड ऑल अदर क्वालिटीज, यानी उसकी सुंदरता को और उसके बहुत से गुणों को. बिकॉज ऑफ दिस शी डिड नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ अ फ्रेंड, पेरेंट्स एंड अदर्स टू गिव हर एज मैरिज टू शिशुपाल. इसलिए उसने अपने माता पिता सखियों की किसी की बात नहीं मानी कि शिशुपाल को मेरा विवाह होना चाहिए. दे टोला कृष्णा इज नॉट अ किंग, सब ने कहा था कृष्णा जो है राजा नहीं है. He is only the son of a landlord. Landlord, yani वो तो जमींदार का पुत्र है. And not even that, वो भी नहीं है. He is not at all qualified as शिशुपाल. उसके अंदर शिशुपाल जैसी योग्यता नहीं है. शिशुपाल is the king of king. शिशुपाल राजा का राजा है. He is very beautiful young emperor. वो बहुत सुंदर है, जवान है. And he has a golden complexion. और उसका जो रंग है सोने जैसा है. Whereas this other person is black and unqualified, जबकि जो कृष्णा वो काले अयोग्य है. When Krishna was younger, he always used to tell lies. जब कृष्ण छोटे थे हमेशा झूठ बोला करते थे. And steal from others' house, दूसरे घर से चोरी करते थे. You should give up that black fellow and marry शिशुपाल, तुझे कृष्ण को छोड़ के शिशुपाल से विवाह करना चाहिए. Try to obey your father, mother and brother. अपने माता पिता और भाई की बात को मानिए. रुक्मिणी reply, रुक्मिणी जवाब देती है. Once I have given my heart to someone, I can never ever reclaim it. एक बार मैंने अपना हृदय जिसको दे चुकी हूँ उसको मैं फिर वापस नहीं ले सकती. Without the consent of her father, mother and brother, she then sent a brahmachari to Krishna with a messenger. यानी बगैर अपने माता पिता भाई को पूछे उसने एक दूत भेज दिया था कृष्ण के पास. देखो परिणाम, केवल कृष्ण की लीला को सुन सुन के उनके हृदय में अगाध प्रेम उत्पन्न हो गया कि मुझे कृष्ण ही चाहिए, उन्हीं से विवाह करना है, किसी और से नहीं करना. ये होता है कृष्ण कथा सुनने का परिणाम. बार बार सुनोगे, लंबे समय सुनोगे तो कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम होगा ही होगा और आकर्षण भी होना ही होना है. तो इसने एक दूत भेज दिया था कृष्ण के पास और उसपे क्या संदेश लिखा था. आई डोंट वॉन्ट टू मैरी दिस जैकल, मैं इस यार के साथ विवाह नहीं करना चाहती. आई गिवन माई हार्ट टू अ लायन, मैं शेर को अपना हृदय दे चुकी हूँ. हाउ कैन अ जैकल कम एंड टेक मी अवे इन द प्रेजेंस ऑफ द लायन. यानी शेर के होते हुए सियार मुझे कैसे हरण कर सकता है. Everything depends on the lion. सब कुछ शेर पर निर्भर करता है. यानी शेर यहाँ पे कृष्ण है और सियार कौन है, जैकल कौन है, शिशुपाल. I have given myself solely to you. मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित कर चुकी हूँ. For you are that lion, क्योंकि वो शेर हो. And I will not go with that jackal. मैं उस सियार के साथ नहीं जाऊंगी. If that lion is not qualified and powerful enough to save me, अगर शेर में क्षमता नहीं है मेरे रक्षा करने की, उस पर योग्यता नहीं है तो सेमी फ्रॉम द सियार से रक्षा करने की, देन आई विल टेक पॉइजन एंड डाई, तो मैं विष खा के अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी.
इस प्रकार रुक्मिणी संदेशा भेज रही हैं ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण के लिए। बिफोर उमा वॉज मैरिड टू शंकर, उमा का विवाह होने के पहले नारद केम एंड रिवील शंकर ग्लोरियस टू हर। नारद जी ने शिव जी की महिमा गाई थी पार्वती के आगे। ये सब प्रसंग आपने रामचरितमानस पढ़ी है, मैं आशा करता हूँ सब प्रसंग को विस्तार से आप लोग सब जानते होंगे। आफ्टर दैट शंकर टोल्ड समन गो एंड टेस्ट दैट गर्ल, वह में शंकर जी भेजते हैं सब शिष्य को जाओ जाके परीक्षा लीजिए। सो ही मैसेंजर वेंट टू उमा एंड टोल्ड शिवा इज एन इंटेलिजेंट बोगस मैन। तो जब अपने दूत को भेजते वो जाके क्या कहते हैं उमा से कि शिवा जो है शिव जी जो है वो बुद्धिमान नहीं है, बोगस यानी बेकार है। ही इज ऑलवेज नेकेड, वो हमेशा नग्न रहते हैं। ही वेयर गार्लैंड्स ऑफ स्कल्स, हमेशा नर मुंडों की माला पहने होती है। एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्नेक, और हर वक्त सर्प उनके शरीर में होता है। ही स्मियर डस्ट फ्रॉम दी एशेज ऑफ कॉर्प्स ऑल ओवर हिज बॉडी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुर्दे के शरीर से वो भस्मों को लेके आपके शरीर पे लगाते हैं। तो इन सब के भाव जो है रामचरित मानस में, क्योंकि मुझे पता आप सब लोग सुनी भी आपने, उसके सारे गुण अर्थ आप जानते ही हैं कि ये जो सर्प का जो भिन्न भिन्न स्थान का क्या अर्थ होता है। जो सर्प जब सिर पे आता है तो वो काम का प्रतीक है। तो शंकर जी कहते काम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे सिर पर भक्ति रूपी गंगा जी का वास है। गंगा जो है भक्ति का प्रतीक है। और सर्प जब कान में आता है और खाक में, तो कहते वो कान में संशय और भ्रम बन के आता है। शंकर जी कहते हैं कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं निरंतर राम कथा सुनता रहता हूँ, ये राम नाम सुनता रहता हूँ। हाथ में जब सर्प आता है वो लोभ बन के आता है, शंकर लोभ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं नित्य दान करता हूँ। जो सर्प जो है वो जनेयु बन के आता शंकर जी के शरीर पे, तो शंकर जी कहते काल, क्योंकि सांप जो है काल का प्रतीक है, कहते काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे हृदय में काल अतीत राम का वास है, जो काल से परे उसका वास है। इस प्रकार ये जो अर्थ है वो ले लेते हैं भक्त लोग। He wears रुद्राक्ष बीज, he always wear carries a trident, वो रुद्राक्ष माला पहनते हैं और हाथ पे त्रिशूल लिए होते हैं। And he sits on a bull made of a bull like a mad person, और वो बैल पे सवार होते हैं पागलों की तरह। सही बात है, जो आप भागवत के प्रथम स्कंध के अनुसार ये जो बैल क्या है, धर्म का प्रतीक है। शंकर जी धर्म पे सवार होके ही चलते हैं, इसलिए उनको कोई लगाम पकड़ने की जरूरत नहीं होती। हम लोग काम के घोड़े पे बैठ के जाते हैं, यानी हमारे अंदर संसारी कामनाएं होती है और घोड़ा जो चंचल होता है, और घोड़ा मन का प्रतीक है, इसलिए उसको लगाम पकड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा मन भी चंचल है। जो संसार में जो धर्म पे सवार होके आते हैं उन्हें कोई लगाम पकड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन संसारिक लोगों के लिए वो क्या होते हैं, पागल होते हैं। धर्म पे चलने वालों को आज भी पागल ही तो कहते हैं, क्या जी तू राम राम कर रहा है और क्या कर रहा है, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, लोग यही तो बातें करते सारे। तो धर्म तो शंकर जी के लिए भी ये बात कही गई है, क्योंकि जो भी धर्म का पालन करेगा धर्म पे सब संसार वालों के लिए पागल ही होता है। वाई हैव यू चोजन हिम टू बी योर हस्बैंड, आपने उसको क्यों चुना अपने पति के लिए। हर फादर ऑल्सो टोल्ड हर ओ माय डियर डार्लिंग डॉटर चेंज योर मूड, उनके पिता ने भी कहा था मेरी पुत्री तो भी अपने भाव अभी बदल ले। आई विल मैरी टू एन एग्जॉल्टेड पर्सन लाइक विष्णु, मैं तेरा विवाह विष्णु से करा दूंगा। और समवन एल्स इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यह जो बहुत सुंदर है। वाई हैव यू चोजन शंकर, आपने शिव जी क्यों चुना है। उमा टोल्ड हर फादर इट मे बी द शंकर वंडर्स नेकेड प्लेज विद घोस्ट एंड विचेस, हो सकता है शंकर जी नग्न घूमते हो और भूत प्रेतों के साथ खेलते भी हो। ऑर्नामेंट्स हिमसेल्फ विद सर्पेंट, अपने को सर्पों से आभूषण धारण किए हुए हैं। एंड समटाइम्स फॉलोस पॉइजन, और उन्होंने विष का पान भी किया हुआ है। जब शंकर जी ने विष पिया था, हला हल विष, उन्होंने उस विष को कंठ में रखा था, अपने नीचे नहीं उतारा हृदय में। क्यों नहीं उतारा, क्योंकि उनके भाव थे
मेरे हृदय में राम का वास है, क्या मैं अपने राम को विष पिला सकता हूँ? यह तो मेरी महिमा को बढ़ाने के लिए उन्हें कहा, तो विष पान कर लो। इसलिए उन्होंने कंठ में विष को रखा तो उनका वो गया नीलकंठ कहलाए और उन्होंने राम नाम जपना शुरू किया। विष जब राम से मिला तो वो विश्राम बन गया। कहने का भाव, जीव में बहुत सी समस्या आती है, निरंतर हरि नाम चलता रहता है तो सारी समस्या जो है वो अपने आप ठीक होती जाती है, क्योंकि विष प्लस राम इज विश्राम, तो सब अपने आप रास्ते बनते जाएंगे, सब अपने आप शांत और ठीक हो जाता है। सिर्फ हमें अखंड जप करना चाहिए तभी होएगा। अगर जीव अखंड जप नहीं करेगा तो फिर भूल जा किस पे कृपा होगी। बट इवन इफ इट इज दिस इज टू आई विल मैरी हिम एंड नो, अगर सब बातें सही भी है तो भी मैं शिव से बात करूँ किसी और से नहीं। आई हैव चोजन हिम फॉर ऑल टाइम इवन दो ही डज नथिंग, मैंने उसको ही चुन लिया है भले वो कुछ नहीं करता है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव हिम अप, मैं उसे त्याग नहीं सकती। आई विल मैरी हिम, मैं उसे विवाह करूंगी। सो मेनी अदर सूटर्स केम एंड इवन शंकर केम इन डिस्गाइज टू टेस्ट, बहुत से वर आए उनके पास और हाथ मांगने के लिए, और शंकर जी भी भेष बदल के आते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए। बट शी डिड नॉट चेंज हर माइंड, उसने पार्वती ने अपने मन को बदलने नहीं दिया। फॉर अ वर्ल्डली पर्सन, फॉर ऑल ऑफ यू द माइंड आर हार्ट आर डिफरेंट, आप लोगों के लिए, संसार लोगों के लिए मन और हृदय अलग अलग चीज होती हैं। बट दीज एग्जाम्पल कन्फर्म दैट द हार्ट्स ऑफ द एलिवेटेड पर्सनैलिटी नेवर कंसिडर वेदर समवन इज ब्यूटिफुल और नॉट, जो उस कोटि के संत होते हैं वो ये सब विचार नहीं करते कि बंदा सुंदर है कि नहीं सुंदर है और वॉट ही हैज डन और नॉट डन, और उसे क्या किया और वो क्या नहीं कर रहा है। द डिसन टू लव इज फॉर एवर, मतलब कृष्ण से हमें नित्य प्रेम करना ही है। अनियर हृदय मान, फॉर मोस्ट पीपल द माइंड ऑलवेज गिव प्रॉब्लम्स, बहुत से लोगों के लिए मन जो है बहुत तकलीफ प्रदान करता है। समटाइम्स इट एक्सेप्ट समथिंग एंड समटाइम अदर इट रिजेक्ट द सेम थिंग, दिस इज कॉल्ड संकल्प विकल्प। मतलब क्या था कि कभी कहता ये करूँ, कब कहता नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो कहते कि इसमें स्थिरता ना होने के कारण इसे संकल्प विकल्प कहते हैं। अभी करूंगा फिर बार बार बोलता नहीं, जाने दो मेरे को नहीं करना है। बट मोर मन वृंदावन, माय माइंड इज वृंदावन, द माइंड एंड द हार्ट्स ऑफ गोपी जावन, क्योंकि गोपियां जो हैं उनका हृदय ब्रज में रहता है, उनका हृदय भी ब्रज में है, इससे दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। बहुत ही लोगों के मन और हृदय में अंतर होता है लेकिन ब्रजवासियों के मन और हृदय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही ब्रज का चिंतन करते उसी में मग्न रहते हैं। द गोपीज कैन डू, गोपियां कहती हैं यू हैव टोल्ड अस मेडिटेट अपॉन मी, तो गोपियां आप कहते हो कि मेरा ध्यान करिए, बट फ्रॉम वेयर दस मेडिटेशन कम, कहते ध्यान कहाँ से आता है। इट कम्स फ्रॉम द माइंड, यानी वो मन से आता है। अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम द माइंड, समझदारी जो की जो बातें होती हैं वो मन से ही समझी जाती हैं। बट मोर मन वृंदावन, लेकिन मेरा मन जो है वो वृंदावन है। लेट अदर्स मेडिटेट, यू आर इंस्ट्रक्टिंग अस, दूसरों को ध्यान करने दो और आप मुझे शिक्षा दे रहे हो, हमें उपदेश दे रहे हो, कह रहे हो यू शुड मेडिटेट अपॉन एंड माई लोटस फीट विल कम इन द मेडिटेशन, आप मेरा चिंतन कर, मेरे जो कमल है आपके हृदय में आ जाएंगे ध्यान में। देयरफॉर वी विल बी सेटिस्फाइड इफ योर लोटस फीट वॉक टू वृंदावन, अदरवाइज वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, लेकिन हमें तृप्ति तब होगी जब आपके चरण वृंदावन में चल के आएंगे, नहीं तो हमें नहीं होने वाली तृप्ति। ट्राई टू मेक योर हार्ट एंड माइंड वृंदावन, अपने हृदय और मन को वृंदावन बनाने का प्रयास करिए।
under the guidance of the gopis, gopiyon ke anugat mein chalne se, it does not matter whether you are a male or female. Isse koi mahatva nahi hota ki hum purush hai ki stri hai. Both male and female are a transformation of tatak shakti. Yani jab purush ho chahe stri ka akar milao sharir, ye jo hamari atma hai wo tatak shakti se utpann hui hai. Krishna marginal potency, we are prakriti the potency feminine gender, not purush. Yani hum log kon hai prakriti, kyunki hamari utpatti prakriti se hui hai. तथा शक्ति से उत्पन्न हुई है, कृष्ण से डायरेक्ट हुई, उनके जो तथा शक्ति उनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, तो इसी कारण जो है आत्मा जो है वो स्त्री है. तो वी आर प्रकृति द पोटेंसी फेमिनिन जेंडर नॉट पुरुष द पोजेशन पोजेसिव ऑफ पोटेंसी अ मेल जेंडर. तो मतलब क्या होता है कि शरीर का महत्व नहीं होता, महत्व होता है भाव का. जो भोग वृत्ति है वो पुरुष वृत्ति है, और जो सेवा और समर्पण की वृत्ति है वो स्त्री की वृत्ति है. तो गोपियां जो कहती हैं, मतलब कि यहाँ पे जो भाव है गोपियों के हृदय में प्रेम है, समर्पण है, भोग के भाव है ही नहीं यहाँ पे. अगर हम पुरुष शरीर में भी हमारे हृदय में समर्पण है, प्रेम है, तो हम वास्तव में गोपियों के अनुगत में चल रहे हैं. और स्त्री श्री पा के भी अगर हमारे अंदर भोग की वृत्ति है, मैं ये खाना चाहता हूँ, ये पहनना चाहता हूँ, ये पीना चाहता हूँ, तो वास्तव में हम पुरुष ही हैं, हम गोपी हो ही नहीं सकते, हम स्त्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हृदय में समर्पण और त्याग के भाव है ही नहीं. हम भूल जाते हैं कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, और हम उनके नित्य के दास हैं. हमें कृष्ण की सेवा करके उसे सुख पहुंचाना है, न कि कुछ भोगनी है. हमें कृष्ण को सुख पहुंचाना, ये बात हम क्यों भूल जाते हैं. अगर आप कृष्ण के साथ कंपटीशन करोगे, भोग की वृत्ति लाओगे, तो फिर हम संसार से कभी भी नहीं निकल सकते. आप हमेशा ये 84 में घूमते रहोगे, ये संसार जो दुखालय में उसे भटकते रहोगे. भैया कब तक, अब तो भोग की वृत्ति छोड़ दो. ये मानो कि संसार की जो चीज है कृष्ण की है, और कृष्ण की सेवा में उसको यूज करना चाहिए. मेरे वो जो पति और पत्नी वो मेरे नहीं है, वो कृष्ण ने के हैं. उन्होंने उनको मेरे पास भेजा है मेरी सहायता करने के लिए भजन में. वो मेरे नहीं है, उनको भेजा गया सहायता करने के लिए भजन में. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, सहायता करने भजन भेजा गया. तो आप उनको भोग कर ही नहीं सकते और उनको यूज नहीं कर सकते. मेरा ये करते वो करते ये सेवा, उल्टा आप सबकी सेवा करोगे, क्योंकि वो कुछ क्षणों के लिए आपके पास, कुछ सालों के लिए आए होते हैं, और फिर भगवान ने उन्हें वापस ले जाना है. तो ये भोग वृत्ति आपके हृदय के बिल्कुल खत्म हो जाएगी. ये बात अगर हम समझ जाते हैं तो, मैंने कहा ना, मैं तो केवल ज्ञान दे रहा हूँ, इसकी अनुभूति हम सबको भजन करते करते होगी. हाँ, ज्ञान से ये पता चल जाएगा कि हमको किस स्तर तक उठना है, और लेकिन नाम ही लेके जाएगा. इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जी नाम करे, नाम का जप करे. जो चीज मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है सुनने में कठिनाई हो, लेकिन भजन के द्वारा अंतकरण शुद्ध होगा, तो सब चीज समझ आनी अपने आप शुरू हो जाती है. उसकी अनुभूति है. यानी इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम पुरुष भाव क्या है, भोग की वृत्ति, इंजॉइंग टेंडेंसी, और स्त्री भाव के समर्पण, सेवा, निज सुख की कोई परवाह नहीं करना. जब हम दास कहते हैं अपने आप को, दास का मतलब होता है गुलाम, स्लेव. तो फिर आप जो दास, तो अपने स्वामी की सेवा के अलावा और सुख के अलावा कुछ उसको सोचता ही नहीं है. तो अगर हमें सोच रहा है कि अपने सुख भोगना है, तो हम दास बने ही नहीं है. भले गुरु जी से नाम मिल गया कि हम दास हैं, लेकिन हृदय से हमें दास के एक भी लक्षण नहीं है, क्योंकि वो प्रेम और वो समर्पण हमारे हृदय में है ही नहीं, जो गोपियों का भगवान के प्रति था. Try to realize, if you think very deeply, the meaning will come at your heart and your heart will be greatly developed. तो कहते हैं इन सब चीजों का विस्तार से, गहराई से चिंतन करो. जब चिंतन करोगे हृदय में, ये सब चीज प्रकाशित होनी शुरू हो जाती हैं.
and the heart will greatly develop. There is no need to do anything. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. दो काम करना है, एक कथा श्रवण करना और एक नाम जप करना है. और कुछ करने की जरूरत नहीं है. हर चीज अपने आप सामने आएगी, हर चीज अपने आप प्रकाशित हो जाएगी. If Narad Rishi comes before the gopis, however, they will offer him pranam. तो अगर नारद जी गोपियों के सामने आते हैं तो गोपियां क्या करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे. और इट मे बी दैट ही दे विल टेक द डस्ट ऑफ हिज लोटस. और ये भी हो सकता है उनके चरणों की धूलि को वो आपके सिर पे धारण करेंगे. नारद ऋषि विल देन थी नारद ऋषि भी क्या सोचेंगे, आई शुड नॉट अपसेट दिस गोपी. मुझे उनको परेशान नहीं करना चाहिए. कृष्णा इज माई वर्शिपर लॉर्ड and these gopis are his worshipable deities. Krishna mere upasaniya hai, vandaniya hai, aur ye gopiya jo hai unki seva mein nukt rehti hain. So I should not disturb them. Mujhe uske bhav mein koi parivartan nahi, jaisa bhi kare, jo bhi kare, unki seva chalne do. Then after the gopi leave, he will take their foot dust and rub it all over his body. To naji kya karenge, उनके सामने तो नहीं, क्या उन्हें संकोच होगा. जब गोपियां आगे चले जाएंगे तो पीछे से उनकी धोली को लेकर अपने सर पर धारण करेंगे. यानी ये भाव है नारद जी के, क्योंकि उनका मूड जो है, भाव क्या है, मैं कम कृष्ण की दासी हूँ. और नारद जी उनके चरणों के धूल को सामने से लेते, उन्हें कितना दुख लगेगा. इससे नारद जी इनके सामने नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है. और अहंकार ही इंसान के अंदर प्रदर्शन के भाव होते हैं. हमारे अंदर अहंकार है, इससे प्रदर्शन के भाव है. हम दिखाना चाहते हैं, देख मैंने प्रणाम किया अपने गुरु को, या दुनिया को पता चले मैं प्रणाम कर रहा हूँ. चाहे मेरा हृदय से होया हो प्रणाम या नहीं हुआ हो, लेकिन दिखावे के लिए, प्रतिष्ठा और प्रशंसा के लिए हम सबके सामने करते ही करते. गुरु जी चाहते नहीं हम उसके चरण पकड़े, लेकिन हम पकड़ते जबरदस्ती. और उन्हें दुख लगता है, तो क्या सेवा आपकी लग रही है जब आप दुख पहुंचा रहे हो अपने गुरु को. अगर उनकी धोली लेनी है तो उन वो जब चले जाए, उठ के चले जाए, तब पीछे से लेना, लेकिन कौन देखेगा. बात यह कि हमारे अंदर दिखावे के भाव है. अरे भगवान तो देखते हैं, बहुत तो आपके हृदय में है. गुरु भी जो है आपके हृदय के भाव को जानता है, तो हृदय के भाव के अनुसार वो हमें पुरस्कार देता, फल प्रदान करता है. आपको कोई जरूरत ही सामने दिखावा करने की, प्रदर्शन करने की, प्रशंसा सुनने के लिए हम जो दिखावा करते हैं, ये बहुत ही गलत है. और इससे हमें लाभ तो होता नहीं, उल्टा नुकसान ही हो जाता है. तो इन भावों को हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए. तो नारद क्या कहते हैं, बाद में गोपियां चाहेंगे उनके धूल को अपने सिर पर धारण करते हैं. बट ही प्रेज फॉर दिस परफेक्शन. एक इवन नारद इज नॉट क्वालिफाइड टू बी द फुट डस्ट ऑफ द गोपी. नारद में भी योग्यता नहीं है गोपी के चरण धूलि बनने का. ही प्रेज फॉर दिस परफेक्शन. वो उपासना करते ये पूर्णता मेरे जीवन में आए. बट ई कैन नॉट अचीव, वो नहीं प्राप्त कर सकते. सच परफेक्शन इज वेरी इजली अचीव बाई, इज वेरी रेयरली अचीव फॉर एनी वन. कहते ये जो है गोपियों के सेविका बनने का सौभाग्य इतना दुर्लभ है, कोई विरला ही पा सकता है. और ये बहुत दुर्लभ है. इवन ब्रह्मा कहते, ब्रह्मा जी श्री प्रभुरन सरस्वती क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, आई ऑलवेज रिमेम्बर द डस्ट ऑफ राधा लोटस फीट. मैं हमेशा राधा रानी के चरणों की धूलि का चिंतन करता हूँ. इवन ब्रह्मा, नारद, शुक, शंकर, भीष्म एंड अदर डिवोटी लाइक देम मेडिटेट ऑन कृष्णा लोटस फीट, सो दैट लोटस फीट में एंटर देयर हार्ट्स. कहते ब्रह्मा, शिव जी, नारद, सुखदेव जी और शंकर जी, ये सब जो है चिंतन करते हैं कृष्ण के चरणों का, ताकि उनके चरण उनके हृदय में आए. ऑन द अदर हैंड, व्हेन कृष्णा कॉल्स टू द मेड सर्वेंट्स ऑफ द गोपी, जब कृष्णा
गोपियों के दासियों को बुलाते हैं, कमन कमन, दे रिप्लाई वी विल नॉट कम, वो कहते हैं हम नहीं आएंगे, वी नो यू आर दैट यू आर अ चीट, हम जानते तो धोखेबाज है, इंस्टेड ऑफ दे आर फॉलोइंग कृष्णा ही फॉलोज देम, तो वो कृष्ण के अनुगत में नहीं चलते, कृष्णा उनके अनुगत में चलते हैं, क्यों, कृष्णा ये देखना चाहते हैं कि इनका प्रेम, इनके जो दासी हैं, कितना राधा रानी के प्रति निष्ठा है और कितना कितनी विचलित हो जाती है, अगर मैं उनको बुलाता हूँ, अगर वो मेरे पास आ जाती हैं, इसका मतलब उन पे राधा के प्रति न प्रेम है न पूर्ण निष्ठा है, इसलिए वो वृक्ष के अधिकारी बन ही नहीं सकते हैं, इसलिए वो अगर कृष्ण बोलेंगे भी आओ मेरे पास, मैं मुझे पानी पिला दो या कुछ भी बोलेंगे, गोपियां कहते हैं हम नहीं आएंगे, तुम धोखेबाज हो, हमें राधा की सेवा से हटाना चाहते हो, हम उसको सेवा नहीं छोड़ेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, क्यों कृष्ण खड़े वो बुलाते नहीं, क्योंकि कृष्ण को केवल राधा रानी ही पूर्ण रूप से तृप्त कर सकती है, किसी में त्रिलोकी में ताकत दे कृष्ण को आनंद प्रदान करने की, तृप्त करने की, जितनी राधा रानी में है, और अगर हमें राधा रानी बोलेगी कोई क्रिया करने को, वो चीज पूर्ण होगी, परफेक्ट होगी राधा रानी के अनुगत में, अगर वो नहीं बोलेगी तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि राधा रानी का उद्देश्य कृष्ण को सेवा ही है, उनको आनंद पहुंचाना ही है, और हम राधा रानी को छोड़ के अपनी शारी मारेंगे, हम सेवा करेंगे तो हम हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे हमारे लिए ब्रिज के, आप फिर वैकुंठ में ही रहना पड़ेगा आपको, वे ब्रिज नहीं जा सकते हो, अगर आप राधा रानी के अनुगत में रहोगे, जब राधा रानी बोलेगी तो हम करेंगे, कृष्ण से कह दो जो चाहिए, अब राधा रानी से क्यों नहीं कहता, मुझसे क्यों कह रहे हो, पानी पीना या जो कोई सेवा चाहता हो राधा कह दो, वो आगे देगे तो हम जरूर करेंगे, लेकिन वो नहीं देगे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो राधा रानी के दासी है, बस यही निष्ठा देख के कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है, देखो ये राधा रानी के पक्ष वाले हैं, इसलिए ये वृक्ष के अब अधिकारी हो गए हैं। राधा रसुदा निधि का एक श्लोक है, ओ डॉटर ऑफ वृषभानु, महाराज वृषभानु के पुत्री, ओ ओशन ऑफ रस, रस की समुद्र, द सुप्रीम भगवान, द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, जो यानी जो भगवान है, जो सारे अवतारों के कारण है, हु वेयर्स अ पीकॉक फेदर इन हिज हेयर, जिन्होंने अपने सिर पे मोर मुकुट को धारण किया हुआ है, मोर पंख को धारण किया हुआ है, फॉल्स एट द फीट ऑफ योर मेड सर्वेंट्स एंड प्रोपाइसेस देम विद मेनी हम्बल एंड ग्रीफ स्ट्रिकन वर्ड, आपके राधा रानी के दासियों के चरणों में भगवान स्वयं गिरते हैं, उनकी स्तुति करते प्रशंसा करते बड़े दीन भाव से और दुखी होके उनके आगे अपना दुखड़ा सुनाते हैं, टू बी अलाउड एंट्रेंस इनटू योर कुंज, कि मुझे राधा रानी से मिला दो, मुझे कुंज में प्रवेश करा दो, उनकी दासियों के चरण पकड़ के कहते हैं कि मुझे उनके कुंज में ले चलिए, वेर यू एंगेज इन प्लेफुल अमोरस पर्सन, जहाँ पे राधा रानी आपके साथ विहार करती हैं, तो देखो राधा रानी की पोजीशन तो छोड़ो, उनके दासियों की पोजीशन कितनी हाई है, जहाँ पे कृष्ण को उनके चरणों में गिरना पड़ता है और उनकी स्तुतियां दीन भाव से बात करनी पड़ती है, जो साक्षात ईश्वर है उनकी यह दशा राधा रानी के दासियों के प्रति, सोचो राधा कितनी महान होगी, तो हम उस राधा रानी को छोड़ के क्यों इधर उधर भटके, क्यों ना हर वक्त उनकी सेवा करें, इसलिए जो लोग राधा रानी की कृपा लेना चाहते हैं, राधा रानी की सेवा लेना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उन्हें चैत्र महाप्रभु की लीला को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के भाव में है, चैतन्य चैतामृत का निरंतर पाठ करना पड़ेगा, उसके पाठ का फल क्या आएगा, जितनी मात्रा में आपका महाप्रभु के प्रेम बढ़ेगा, उन लीला को पढ़ पढ़ के सुन सुन के, उतनी मात्रा में उन राधा रानी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि महाप्रभु राधा रानी के भाव है, यानी उनके प्रति प्रेम बढ़ने में राधा रानी के प्रति प्रेम बढ़ना, और राधा रानी के प्रति प्रेम बढ़ गया मीन ब्रिज कन्फर्म्ड है आपका, तो इसलिए महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ने का अधिक से अधिक प्रयास करिए, उन लीलाओं के गुणगान करने का अधिक से अधिक प्रयास किए, और जो गौरवाणी क्या है,
ब्रज भाव ही तो गौरवाणी है, वो ब्रज में ही तो ले भाव, ये सारे महाप्रभु के तो भाव है जो हमें प्रदान करे और क्या करे, ये ब्रज भाव ही तो गौरवाणी है, हमको ले जाती है। अगर हम महाप्रभु का आश्रय नहीं तो ये भाव कौन हमको देने वाला है? अगर महाप्रभु नहीं होते तो हमारे गोस्वामी तो कौन देता था हमें? ये महाप्रभु की देन है, इसलिए महाप्रभु के अनुगत में चलने से ही ये गारंटी है आप ब्रज में जाओगे। जो लोग महाप्रभु को छोड़कर कृष्ण की उपासना करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा द्वारका या मथुरा जा सकते हैं, ब्रज में उनका कोई अधिकार नहीं है। आई वुड कंसिडर माई लाइफ अ सक्सेस इफ आई कुड बिकम वन स्टिक इन द ब्रूम यूज बाय योर मेड सर्वेंट टू क्लीन योर डिलाइटफुल ग्रोव। कहते हैं मैं अपनों का परम भाग्यशाली बनूंगा जो आपकी जो दासियां जो झाड़ू लगाती हैं आपके कुंज को साफ करने के लिए, मैं उसका एक झाड़ू का तिनका बनना चाहता हूं, और वो तिनका बनके अगर मैं झाड़ू में आपके कुंज को साफ करूंगा, मेरा परम सौभाग्य कि आपकी सेवा हो रही है। ये राधा रसुदा निधि हमारे प्रबोधन जी के भाव हैं, जो तुंग विद्या थे राधा कृष्ण लीला में, उनके इस प्रकार के भाव हैं। कृष्ण तुंग विद्या के रूप में तो ये सब भाव नहीं दिए, लेकिन जब वही प्रबोधन सरस्वती बन के आए हैं और महाप्रभु के साथ उनकी चर्चा हुई है, या महाप्रभु ने कहा वृंदावन चलिए, क्योंकि रंग क्षेत्र में उनको मिले थे, क्या करोगे रंग से चलो, उधर लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे, उधर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके पिता वेंकट भट्ट सारे उधर थे, उनके चाचे लगते चाचे ताए लगते सब तो थे, तो उनको बताया कि ब्रज भक्ति वैकुंठ भक्ति से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। कहते अगर नहीं होती आप बोलोगे महालक्ष्मी श्रेष्ठ है कि राधा ने, तो महालक्ष्मी क्यों बेल वन में बैठ कर तपस्या करिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अगर ब्रज भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती तो? इसे साफ जाहिर है कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ ब्रज भक्ति है, तभी लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ के आज भी ब्रज में तो तपस्या करी है आपके लीला में प्रवेश करने के लिए। कृष्ण नॉक्स एडिट, और वही जब आए वे उधर वृंदावन में, फिर इन ग्रंथों को लिखा इन्होंने, राधा रसुदा नदी वगैरह ग्रंथ लिखा जो राधा रानी की महिमा और रस को प्रदान किया। कृष्णा नॉक्स एट द डोर ऑफ द गोपीस कुंज एंड श्री रूप मंजरी एंड रति मंजरी स्टैंड देयर इन समवट एंग्री मूड। कृष्णा जो है गोपियों कुंड में जाते हैं और खटखटाते हैं, और रूप मंजरी और रति मंजरी जो है, रूप गोस्वामी और गुणादास गोस्वामी, वो रूप और रति मंजरी हैं, खड़े होते हैं क्रोध में। दे टेल कृष्णा गो बैक एट वंस यू चीटर, गो बैक यू कैन नॉट कम एंड मिस श्रीमती राधिका, आप चले जाइए, आप राधा रानी को मिल नहीं सकते। क्यों? कृष्णा जान पूछ के अन्य गोपियों के पास जाते हैं राधा रानी का प्रेम बढ़ाने के लिए, क्योंकि और कृष्ण को बहुत आनंद प्राप्त होता है इन भाषाओं को सुन के, क्योंकि उनसे उन्हें पता चलता कि राधा का मेरे पति कितना गूढ़ प्रेम है, कितना मुझसे उसे बर्दाश्त ही होता कि हम किसी और के पास जाए। क्यों क्यों बर्दाश्त ही होता? क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या नहीं, उनके भाव क्या है, जितने अच्छे तरीके से मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, जितना अपना मेरा आपके प्रति है, वो उतने अच्छे तरीके से आपके हृदय की बात नहीं जानती, वो आपकी सेवा नहीं कर सकती है, और क्योंकि वो आपकी सेवा बराबर नहीं कर सकती है तो मुझे दुख होता है, मुझसे सहन नहीं होगा ये बात को। अगर वो आपकी सेवा कर सके तो मैं उनकी दासी बनने को तैयार हूँ। इससे राधा रानी कहते हैं तुम क्यों तो दुखी होता उनके पास जाके, वो तेरे हृदय की बात को कोई भी पूरी तरीके से जानता नहीं है, ना वो तेरी सेवा कर, तो क्यों जाता उनके पास? उन्हें दुख इस बात का है, उन्हें अपना कोई सुख की चिंता नहीं, अपना कोई दुख नहीं है, उनको दुख यह कि कृष्ण की सेवा में कमी हो रही है, उसके हृदय के भाव को कोई जान नहीं सकता मेरी तरह, इसलिए वो मान करके बैठती है। और कृष्ण यही प्रेम को प्रकट करते तभी तो वो इतने ऋणी है कि उनका अपना से राधा रानी क्या उनके दासियों के चरणों में भी भगवान टेक देते हैं। ये है राधा रानी की पोजीशन। तो शी इज एंग्री एंड यू नाउ एंड विद यू नाउ एंड शी हैज टोल्ड अस, वो क्रोधित है आपके प्रति, सभी का है बी अवेयर दैट दिस चीटर मे कम इन डिस्गाइज, सावधान रहना कि यह भेष बदल के भी कई बार आ सकता है।
although disguised as a gopi or someone else, chahe gopi ban ke aaye, chahe kuch bhi ban ke aaye, he will be that same Krishna, the friend of Subal. Ye wahi Krishna jo Subal ka sakha hai. I don't want to see anything black. Main koi kali cheez dekhna nahi chahti. Not even a black bumblebee should enter my kunj. Koi bhramar bhi jo kali rang ka usko bhi mere kunj mein nahi aana chahiye. You should even remove your black kajal before you come here. Aap kajal bhi hata do apni aankhon se, kyunki kajal dekh ke mujhe Krishna ki yaad aati hai. Bhramar dekh ke bhi Krishna, aap bolti main dekhna chahti hu, lekin dekhe bigair reh bhi nahi sakti hai. Bolti main charcha nahi karna chahti hu, charcha ke bigair reh nahi sakti hai. Yahi to Krishna bhakti ki visheshta hai. कि जिसको एक बार रस मिल गया वो उसका त्याग कर ही नहीं सकता, चाहे वो ऊपर से जो मर्जी बोले. कृष्णा डन ऑफर्स ए हेड एट ए लोटस फीट ऑफ रूप मंजरी एंड हर सखीज एंड बेग देम. तो कृष्ण क्या करते हैं, अपना सिर रूप मंजरी जो राधे की दासी है उनके सिर चरणों में लगाते हैं और भीख मांगते हैं. प्लीज अलाउ मी टू गो देयर, जस्ट फॉर मेरे को विनती करते हैं मुझे अंदर प्रवेश करने के आज्ञा दीजिए थोड़े क्षण के लिए ही सही. दे रिप्लाई नेवर, हाउ कैन वी इमेजिन द ग्रेटनेस ऑफ राधिका पोजिशन. कहते वो कहते नहीं, त्रिलोकी के स्वामी उनके चरण में, अब दासी कहते नहीं तो सोचो राधा जी की क्या पोजिशन की. दासियां भी कृष्ण को फटका सकती है और कैसे तू चले जा, जैसे जा हम तेरे को नहीं जाने देंगे अंदर. तो कल्पना करिए जो हम राधा रानी की अगर हम उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, कैसे करेंगे, गौर लीलाओं का गान कर करके, तो हमारी भी यही पोजीशन हो जाएगी, हम भी यही स्थिति में पहुंच जाएंगे. श्रील प्रभु सरस्वती कहूंगे आई वॉन्ट टू बी अ ब्रूम एंड नॉट इवन अ होल ब्रूम. कहते मैं केवल एक तिनका बनना चाहता हूँ, झाड़ू का पूरा झाड़ू भी नहीं, जस्ट वन स्ट्रॉ ऑफ हिम, केवल एक तिनका बनना चाहता हूँ. दैट इज यूज्ड फॉर सेपिंग राधिका कुंज, जिसका प्रयोग किया जाता है राधा जी के कुंज को साफ करने के लिए. हाउ ग्लोरियस सी, तो आप सोचो उसकी महिमा क्या है. और इसके गूढ़ अर्थ को हम कल आस्वादन करेंगे, तो विनती है समय पे आ जाना. ये बहुत गूढ़ अर्थ है, लेट हो जाओगे तो इससे वंचित रह जाओगे. बहुत प्रेम है इनके अंदर, इन भावों में. तो हम इसको विश्राम देते हैं. वांछा कल्पत्रो भयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.